उधर हिमालय भवन में जया विजया पार्वती को खोजती हुई वहां पहुंचती है जहां एक कोने में पार्वती पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर रही है। वो वहां वहां कहां? हे मेरी माँ, मस्तिष्क के साथ साथ इसकी आंखें भी गई। अरे मेरी आंखों से देख, वो सामने। अरे वो पार्वती है या कोई ऋषि मुनि? चल चल कर देखते हैं। चल। शिष्य नहीं निर्बुद्धि, शिष्याएं आई हैं। तुम दोनों यहाँ क्या लेने आई हो? तुम्हें लेने आए हैं। मेरी सखी किसके ध्यान में बैठी थी? विजया, अब ये प्रश्न प्रश्न कहाँ रहा? हाँ री हाँ, प्रश्न तो कब का उत्तर बन गया है। तुम्हें हर समय छेड़छाड़ ही सूझती है। हर समय नहीं, समय समय पर, यदा कदा अर्थात कभी कभी। देखो जब कोई ध्यान में बैठा हो तो उसे बाधा पहुंचाना उचित नहीं है, वो पाप का भागी होता है। माई रे माई, हम तुम्हारे पाप में भागीदार नहीं होंगे। हम तो केवल तुम्हारी प्रसन्नता और तुम्हारे सुख में ही भागीदार बनेंगे। इसके लिए तुम दोनों को मेरी एक बात माननी होगी। अवश्य मानेंगे। तो फिर तुम दोनों यहाँ से चुपचाप चली जाओ। चलो विजया। चलो जया। कैलाशवासी शिव समझते क्या है अपने आप को? क्या वो हिमालय राज से भी ऊंचे हो गए? ये कहां का न्याय है कि हमारी ही भूमि पर आए अतिथि हमारा ही तिरस्कार करें? हमारे मान सम्मान का तनिक भी विचार नहीं किया उन्होंने। मेना, इसमें इतना उत्तेजित होने का क्या कारण है? है माँ है, जिन्हें अपना आत्मसम्मान और स्वाभिमान प्रिय है उनके लिए ये उत्तेजना का ही कारण है। भला ये भी कोई बात हुई? कैलाशपति ने हमारे ही राज्य क्षेत्र में आकर हमारा ही अपमान किया। एकांत प्रियता की ओट में उन्होंने हमें हमारे ही स्थान पर आने से रोका। तुम ही कहो माँ, ये अपमान नहीं तो और क्या है? कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति ऐसा अपमान सहन नहीं कर सकता। स्वाभिमान और अहंकार में अंतर होता है पुत्र। तुम्हारे उत्तेजना के मूल में तुम्हारे अधिकार का अहंकार है। यदि हमें हमारे क्षेत्र के अतिरिक्त किसी और स्थान पर आने से रोका जाता तो तुम्हारे अहम को ठेस नहीं लगती। अहम को चोट तो इसलिए लगी है कि तुम्हें तुम्हारे अधिकृत स्थान पर आने से रोका गया है। परंतु माँ, उन्हें ये तो सोचना चाहिए था कि यदि वो हमें हमारे ही स्थान पर आने से रोकेंगे तो हमारी मानसिकता किस और गतिमान होगी। सारी स्थिति जानते हुए भी तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो पुत्र? क्या उन्होंने नंदी को भेजकर हमसे अनुमति नहीं मांगी थी और स्पष्ट नहीं किया था कि वो एकांतवास के लिए हिमगिरी पर्वत पर आना चाहती है? पुत्र, अगर एकांत की समस्या नहीं होती तो क्या कैलाश पर्वत का क्षेत्र छोटा था उनके लिए? अरे जया, पार्वती कहाँ है? मैंने भी उसे प्रातःकाल से नहीं देखा, कहाँ गई है वो? क्या बात है, तुम दोनों बोलती क्यों नहीं हो? कहाँ है पार्वती? वहाँ। वहाँ कहाँ? वो उद्यान में। उद्यान में? उद्यान में अकेली क्या कर रही है? ध्यान कर रही है। ध्यान कर रही है? किसका ध्यान? भगवान शिव का ध्यान। शिव का ध्यान? तुम दोनों उसे बुलाकर साथ में क्यों नहीं लाई? कैसे लाती, वो तो किसी से बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। जो हमारा अपमान करे, पार्वती उस शिव की आराधना कर रही है। माँ, पार्वती को रोकना होगा, तुरंत रोकना होगा। मैं उसे शिव की आराधना नहीं करने दूंगा, मैं अभी लेकर आता हूँ उसे। क्रोध और उत्तेजना से किया हुआ कोई भी कार्य शुभ नहीं होता पुत्र।
धैर्य करो। किंतु पिताश्री, जिस शिव ने हमारा अपमान किया, पार्वती उसी की आराधना कर रही है, क्या ये उचित है? अपने माता पिता के समक्ष उचित और अनुचित का प्रश्न करना क्या संतान के लिए उचित है? और तुम्हारा ये मान लेना कि शिव ने हमारा अपमान किया है, क्या ये उचित है? किसी की आराधना में विघ्न डालना भी क्या उचित है? उत्तर दो पुत्र। इन दोनों को कौन समझाए कि शिवलीला का रहस्य क्या है? कितने अज्ञानी हैं ये दोनों। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओम नमः शिवाय। पार्वती का शत-शत प्रणाम स्वीकार करें देवर्षि। कल्याण भव, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। मेरी मनोकामना के विषय में आपको ज्ञान है देवर्षि? कुछ कुछ है, कुछ तुम बताओ, पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। आप तो अंतर मन की बात जान लेते हैं मुनिवर, मैं क्या बताऊं? तो समझो कि वही जानकर मैं यही कहना चाहता हूँ कि भगवान शिव की प्राप्ति के लिए तुमने जो मार्ग चुना है सही है। अर्थात? अर्थात तुम्हारी शिव भक्ति ही तुम्हें भगवान शिव तक पहुंचाएगी। नारायण नारायण। दृष्टता क्षमा करें, तो एक प्रश्न पूछूं देवर्षि? अवश्य अवश्य पूछो। प्रकट रूप में आप भविष्यवाणी कर ही चुके हैं कि शिव जी जो मेरे आराध्य हैं, वे मेरे भावी पति होंगे, फिर उन्होंने मुझे दर्शन देने से वंचित क्यों किया? अलौकिक कार्य जब लौकिक रूप में संपन्न होते हैं तो उनका रूप विचित्र हो जाता है। मैं कुछ समझी नहीं देवर्षि। सत्य ये है देवी कि भगवान शिव अपनी आराधना करने वालों की कठोर परीक्षा लेते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि उनके रोकने पर भी क्या उनके भक्त उनके समीप आते हैं या नहीं। रोकने पर समीप जाना कैसे संभव होगा देवर्षि? यही तो परीक्षा का सबसे कठिन स्थल और मोड़ है। भक्त को यहाँ धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए। देवी, तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा भविष्य तो उज्जवल ही उज्जवल है। कृपया ये तो बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए? उत्साह और भक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पर कैसे? भगवान शिव के समाधि स्थल पर पहुंचकर उन्हें रिझाने तथा अपनी ओर ध्यान देने के लिए प्रेरित करके। भगवान शिव रुष्ट हो गए तो? नहीं, वे रुष्ट नहीं होंगे, तदुपरांत उनकी तुम पर कृपा दृष्टि होगी। फिर तो मैं अवश्य जाऊंगी, मुझे आशीर्वाद दें देवर्षि। कल्याण भव। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। स्वामी के एकांत ध्यान में बाधा न डाले। अभी अभी तुम क्यों बाधा डाल रहे थे उन्हें पुष्प अर्पित करके? मैं वह सब नहीं कर रहा था, मैं तो अपने स्वामी और आराध्य की आराधना कर रहा था। मैं भी वही और उतना ही करूँगी। अपने आराध्य की मौन पूजा करने आई हूँ, मेरी उपस्थिति से उन्हें तनिक भी विघ्न नहीं पड़ेगा।
मेरे आराध्य, आप तो अंतर्यामी हैं। आप मेरे मन की भावना और भविष्य दोनों का ज्ञान रखते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। बैठी होगी वहीं उद्यान में ध्यान लगाए। अर्थात तुम्हें भी ज्ञात नहीं कि पार्वती कहाँ है इस समय? ज्ञात कैसे होगा माँ, इन दिनों उसका कोई एक स्थान तो है नहीं। दिन भर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भटकती रहती है वो। जया, तुमने देखा है पार्वती को? नहीं, मैंने नहीं देखा। कहाँ गई थी तुम? बोलती क्यों नहीं, कहाँ गई थी तू? पार्वती, मैं अपने आराध्य भगवान शिव के दर्शन और आराधना के लिए गई थी। पार्वती, अपने कुल की लाज मर्यादा का विचार है तुम्हें? विचार होता तो वहां जाती ही क्यों, उसके पास जिसने हमारा अपमान किया। अपमान सम्मान का विचार ना भी हो तो भी क्या इसका वहां जाना उचित है? उस भस्म से लिपटे कैलाशपति और योगी के पास। भैया, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप उनके सम्मान में कुछ न कहें, उसे सुना नहीं जाएगा। क्यों नहीं सुना जाएगा? जब मैं कह सकता हूँ तो तुम मेरी बहन होकर क्यों नहीं सुन सकती? इसलिए कि वे मेरे आराध्य हैं। किसने कहा उसकी आराधना करने के लिए? आपसे किसने कहा उनके प्रति अपने मन में दुर्भावना रखने के लिए? क्या ये मेरे प्रश्न का उत्तर है? हाँ, यही उत्तर है। ये मनमानी की बात है, जिसके लिए मन माने वही आराध्य, न माने तो घृणा का पात्र। जिस आधार पर आप उनका अपमान करते हैं, उसी मन बुद्धि के आधार पर मैं उनकी आराधना करती हूँ। तुम बुद्धि से नहीं, मन और भावनाओं से कार्य कर रही हो पार्वती। जीवन के निर्णय भावनाओं के आधार पर नहीं होते। भैया, मैं आपसे पुनः प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरी शिव आराधना में बाधक ना हो, अन्यथा परिणाम शुभ नहीं होंगे। पार्वती, क्या माँ और भैया को अप्रसन्न करके तुम्हारी आराधना पूर्ण हो सकेगी? सभी ओर से विचार कर लो पार्वती, मार्ग में अनेक बाधाएं हैं। मैंने पूर्ण विचार कर लिया है। मैं मार्ग की सभी बाधाओं को एक ओर करके अपने आराध्य तक पहुंच जाऊंगी। शिवाराधना के लिए यहां आती है और मनी मन पूजा अर्चना करके वापस चली जाती है, किंतु शिव शंकर की समाधि नहीं टूटती। वो तो अडेग अपनी समाधि में लीन एवं अवस्थित है,
तो क्या भोलेनाथ की समाधि कभी टूटेगी नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। किंतु ये ज्ञात नहीं है कि ये समाधि कब तक टूटेगी। मेरा विचार है इस विषय में ब्रह्मा जी कुछ बता सकेंगे। हाँ, हमें उन्हीं के पास चलना होगा।